वक्त इंडिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं शुभम बोगल। डिस्क्रिप्शन तो आपने पढ़ ही लिया होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पोल खोलता कुंजवानी चौक। आपको फिर से बता दूं कि इस वक्त ठीक मैं मौजूद हूं कुंजवानी चौक में। कुंजवानी चौक एक ऐसा चौक है यहाँ पे 2400 घंटे गाड़ियों का आना जाना यहाँ पे लगा रहता है और काफ़ी चहल पहल कुंजवानी चौक में रहती है। तो जिस तरह से मैंने बात की कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पोल खोलता कुंजवानी चौक, कुंजवानी चौक में इस वक्त हम ठीक मौजूद हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यहाँ पे। और कुंजवानी चौक में दिल्ली से अन्य राज्यों से आने वाली गाड़ियाँ जितनी भी हैं वो कुंजवानी चौक में पहुँचती हैं। और कुंजवानी चौक में जितने भी पैसेंजर जो जम्मू से बाहर जाने वाले हैं, जहाँ बाहर से जो जम्मू आते हैं वो सबसे पहले कुंजवानी चौक में पहुँचते हैं। कुंजवानी चौक में पहले पहुँच कर ही जम्मू को एक स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाता है। और वही आपको बता दूँ कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पोल इसलिए खुलती है क्योंकि कुंजवानी चौक में ऐसी कितनी ज्यादा यहाँ पे चहल पहल रहती है और लोगों का भी यहाँ पे तंता यहाँ पे 2400 घंटे यहाँ पे लगा रहता है। और अगर बात करें तो लोगों के लिए यहाँ पे कोई भी शेड यहाँ पे नहीं बना गया है। और अगर आपको बात करें कि कुंजवानी चौक की चारों तरफ की अगर बात करूँ तो चारों ओर ही कहीं भी जो यहाँ पे मैं बात करूँ शेड है, कोई भी शेड यहाँ पे नहीं लगाया गया। और टेबल जो यहाँ पे बेंच वगैरह है वो भी यहाँ पे कोई नहीं लगाया गया है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिस तरह से लगातार बड़े बड़े दावे करती है कि हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये कर रही है वही कर रही है। पर अगर आपको बताएं कि 13 साल के बाद निकाय चुनाव हुए थे तो लोगों को कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी थी कोई नया कॉर्पोरेटर बन के आएगा, कोई नया चेयरमैन बनेगा, कोई नया मेयर बनेगा, तो लोगों की जो इतनी भी मुश्किलें हैं वो हल होंगी। पर अगर ज़मीनी सतह पर देखें तो वो मुश्किलें किस तरह से हल हो रही हैं वो आज वक्त इंडिया की टीम पहुंची है कुंजवानी चौक में। तो अभी तो आप देख रहे हैं कि 7 बजे का भी टाइम हुआ है लगभग, तो आप 9 बजे के करीब कभी आप कुंजवानी चौक की तरफ आएँ। यहाँ पर कोई भी लाइट का प्रबंध यहाँ पर नहीं किया गया है। जो आप यहाँ पर पिछली कुछ दिन पहले भी हमने आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट दिखाई कि ट्रैफिक पुलिस विभाग की तरफ से जो यहाँ पर ट्रैफिक लाइटें लगा दी गई हैं वो बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं। तो वो हमारी रिपोर्ट का असर के बाद कुछ दिन जो लाइटें थी वो यहाँ पे चलती हुई दिखी और उसके बाद जो ये लाइटें हैं वो फिर बंद की बंद पड़ी हुई हैं। जब ट्रैफिक विभाग से बात करने की कोशिश करें तो ट्रैफिक विभाग का यही कहना होता है कि लाइटें तो चलती हैं बट यहाँ पे लाइटें जब ऑन कर दी जाती हैं तो यहाँ पर एक जाम लग जाता है। अगर बात करूँ जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि 8-9 बजे के बाद यहाँ पर अंधेरा रहता है और लोगों को काफ़ी मुश्किलों का लगातार सामना करना पड़ता है। और आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पे जो आप ये सीधी तस्वीरें कुंजवानी चौक से हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी पैसेंजर शेड यहाँ पे नहीं बनाया गया है कि लोग यहाँ पे मज़े से आ जाएं और यहाँ पे आके बैठ सकें। लोग यहाँ पे 2400 घंटे यहाँ पे खड़े रहते हैं। और बात करूँ जिस तरह से मैंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग है, काफ़ी अलग अलग एरियाज़ की अलग अलग राज्यों की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँचती हैं और जैसे वो कुंजवानी चौक में पहुँचती हैं तो उनको यहाँ पर ही जितने भी पैसेंजर हैं उनको इसी जो बनाई गई है यहाँ पर इसी पर बैठे होते हैं और लोगों को काफ़ी मुश्किलों का लगातार सामना करना पड़ता है। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु हैं जो जम्मू शहर में पहुंचते हैं। और कुंजवानी चौक ऐसा चौक है यहाँ से लोग सीधी गाड़ी पकड़ते हैं और सीधा कटरा जहाँ पे माता वैष्णो देवी का यहाँ वहाँ पे मंदिर है वहाँ पे पहुँचते हैं और सबसे पहले यहाँ पे पहुँचते हैं। और यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लाइट्स का जो प्रबंध है वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं किया गया है। क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसी बड़ी दुर्घटना के इंतज़ार में है? ना ही यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स, आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक लाइट्स बिल्कुल यहाँ पर बंद पड़ी हुई हैं। ट्रैफिक विभाग और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसी बड़ी दुर्घटना के इंतज़ार में है। और आपको ये भी बता दें कि कुंजवानी चौक में इस वक्त हम पहुंचे हैं यहाँ पे जो पीर बाबा जहाँ पे जो मंदिर यहाँ पे जो मंदिर एक बनाया गया है वहाँ पे अगर देखें तो जो एक यहाँ पे मेटाडोर स्टैंड जो बनाया गया वो बिल्कुल वो पीर बाबा की जगह है यहाँ पे वहाँ पे बनाया गया। पर ये चौक को एक ऐसा बना दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी दुकानें वगैरह भी यहाँ पे लगी हुई हैं और लोगों को यहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है। पर इस ओर ना ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ध्यान है कि यहाँ पे कोई शेड पैसेंजर शेड वगैरह बना दें, पर यहाँ ही ना पे कोई शेड वगैरह लगाया गया
गया है, ना ही यहाँ पे लाइटें हैं। तो ट्रैफिक विभाग और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन किसी बड़ी दुर्घटना के इंतज़ार में है। तो आप ऐसे ही वक्त इंडिया के साथ जुड़े रहें और देखते रहें वक्त इंडिया। नमस्कार।